तो दोस्तों आ गए हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल लॉस्ट स्टोरी पर। दोस्तों जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतजार था वो चीज़ आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। कुछ सवाल हैं जो कि हमारे मन में उठते हैं, जैसे कि इस सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या दोस्तों एनसीईआरटी की बुक से पूछे गए हैं या फिर कहीं और से पूछे गए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो ऑल दिस थिंग्स रिलेटेड टू द सैंपल पेपर, सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड टू सब्सक्राइब द चैनल। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं सवालों की तरफ। अब आइए दोस्तों सवालों को करते हैं। सेक्शन ए के 3 सवाल हमने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, इन तीनों ही क्वेश्चंस को देखा जाए तो आप देखिए सेक्शन ए में जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 25 माइनस ए 15 फॉर द एपी 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट। मतलब यहाँ पर दोस्तों एक एपी दिया गया है और कहा जा रहा है कि 25 माइनस 15 की वैल्यू क्या होगी, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि 25th और 15th टर्म के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 25th टर्म को दोस्तों किस तरह से लिख सकते हैं, हम nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस। तो उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे a प्लस 25 माइनस वन इंटू डिफरेंस, जिसे हो जाएगा दोस्तों a प्लस यहाँ लिखेंगे 25 माइनस वन यानी कि 24d। देखिए डायरेक्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, फिर देखिए माइनस लगाएंगे, फिर ए 15th टर्म की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा a प्लस 14d यानी कि 15 माइनस वन 14 हो जाएगा। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस 14d। तो इतना आपने समझा, अब आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व किस तरह से किया जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 24d, यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे तो माइनस ये हो जाएगा माइनस 14d। यहाँ ध्यान से देखिए प्लस से और दोस्तों माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 24d माइनस 14d यानी कि 24 में से 14 को माइनस कर देंगे तो 10d। मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दोस्तों कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे, देखिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए दूसरे में से पहले को, तीसरे में से दूसरे को, या फिर चौथे में से तीसरे को माइनस कर देते हैं, या फिर कहें कि कोई भी लगातार दोस्तों दो संख्याएं ले लेते हैं और बाद वाले में से पहले को घटा देंगे तो 9 - 6 कितना हो जाएगा 3 होगा। तो इस तरह से हमारा सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 10 × 3 = 30। बाकी आपको अच्छी तरह से लिख देना, हम दोस्तों आपको इसे समझा रहे हैं। आपको यहाँ लिख देना है कि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 9 - 6, यहाँ पर लिख दिया जाएगा एक लाइन की कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 9 - 6 = 3। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दोस्तों यही पूछा जा रहा था, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, लिखा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा है mx ब्रैकेट में 5x - 6 + 9 = 0 हैज टू इक्वल रूट्स। मतलब इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स दोस्तों बराबर दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे सैंपल पेपर में दोस्तों जो सवाल दिया गया है गलत दिया, मतलब वहां पर 9 नहीं लिखा गया है, लेकिन जो सोल्यूशन अपलोड किया गया है सीबीएसई के द्वारा उस सोल्यूशन में 9 भी लिखा गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सैंपल पेपर में गलती, तो उसे बना लीजिएगा आप अच्छी तरह से, यहाँ 9 को ऐड कर लीजिएगा। तो कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन के दोनों ही रूट्स क्या हैं, इक्वल दिए गए हैं, तो एम की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए कंडीशन हम क्या जानते हैं, सबसे पहली बात कि जो इक्वेशन दिया गया होगा उसे सबसे पहले दोस्तों जनरल फॉर्म में बदल लेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर में दोस्तों नहीं दिख रहा अभी, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, देखिए इसे हम इस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा 5mx² मल्टीप्लाई करने के बाद -6mx + 9 = 0। तो इस तरह से हमने दोस्तों इसे जनरल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, कहा जा रहा है कि रूट्स क्या हैं, दोनों ही इक्वल हैं। हम कंडीशन जानते हैं कि यदि b² - 4ac की वैल्यू 0 होती है तो दोस्तों रूट्स बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे b² - 4ac, इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ऐसा होता है कि दोनों ही रूट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आइए इसके प्लेस पे पुट करते हैं, बी के प्लेस पे क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशियंट 6m -6m यहाँ लिखेंगे, इसका देखिए हम कर देंगे स्क्वायर, फिर माइनस लिखेंगे 4 * ए के प्लेस पे x² का 7 वाला यानी कोफिशियंट, तो 5m। अभी सी के प्लेस पे दोस्तों हम क्या लिखते हैं, सी के प्लेस पे जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है = 0। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे किस तरह से, यहाँ दोस्तों देखिए -6² करेंगे 36m² हो जाएगा ये, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई 9 * 4 = 36 -9 * 4 = 36 × 5m = 0। तो हम यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, कॉमन क्या करेंगे, यहाँ भी 36 है यहाँ पर भी 36, तो देखिए इसका सोल्यूशन हम दोस्तों यहाँ कर रहे हैं 36 m को कॉमन कर लेंगे और साथ ही साथ m भी कॉमन है तो m भी कॉमन कर लेंगे, यहाँ 1m बच जाएगा तो m लिखेंगे यहाँ माइनस, यहाँ देखिए यहाँ दोस्तों 5 बचेगा तो 5 = 0। बाकी जब दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है तो बारी बारी से 0 करेंगे, तो एक बार देखिए लिखेंगे 36m = 0 और एक बार लिखेंगे x - 5 = 0। तो यहाँ से देखिए m की वैल्यू आएगी m = 0 पहली वैल्यू,
और दोस्तों दूसरी वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू फाइव, यहाँ देखिए एम रहेगा एम इज इक्वल टू फाइव। तो इस तरह से एम की देखिए दो वैल्यूज आई है, एम इज इक्वल टू जीरो आया है और एक वैल्यू आई है एम इज इक्वल टू फाइव। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर एम की वैल्यू होगी क्या। अब ध्यान से देखिए जो दोस्तों जनरल फॉर्म हमने बनाई है वहां पर एम क्या है एक्स के साथ है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए इसे हम सिंपल क्या कर देंगे, इसे हम कर देंगे रिजेक्ट। आपको यहाँ लिख देना है कि ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू दोस्तों जीरो नहीं हो सकती। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एम इज इक्वल टू सिक्स। तो आपको इस तरह से यहाँ लिख देना है कि एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस तरह से इसे रिजेक्ट कर दीजिएगा और सही आंसर एम की वैल्यू फाइव आ जाएगी। अब आइए तीसरा सवाल देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने दोस्तों फिगर बना रखा है, पूरा सवाल हमने नहीं लिखा क्योंकि सवाल थोड़ा सा बड़ा दिया गया था। यहाँ पर दो चीजें पूछी जा रही है, सबसे पहली इस फिगर में एंगल एपीबी कितने डिग्री का होगा क्या होगा, और दूसरा पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ द ट्रायंगल इज एपीबी, मतलब ये जो ट्रायंगल दिया गया इस फिगर में ट्रायंगल एपीबी वह किस तरह का ट्रायंगल होगा, जैसे कि इक्विलेटरल होगा, स्केलन होगा या फिर आइसोसेलस होगा। तो ये दो चीजें पूछी जा रही है, ऐसे लिखा तो नहीं गया है कि पहला दूसरा, लेकिन दो चीजें पूछी जा रही है। तो किस तरह से कीजिएगा देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि किसी भी दोस्तों अगर सर्कल के बाहरी पॉइंट से उस सर्कल पर जो है टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं तो दोनों ही टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है, सबसे पहली बात। और दूसरी क्या दोस्तों ये है कि अगर जो सेंटर से जॉइन कर देते हैं तो ये दोनों ही एंगल्स जो होते हैं बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं कि एंगल थीटा हो जाएगा तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल POA में इस ट्रायंगल में हमें दो साइड्स बताई गई हैं, एंगल फाइंड करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से हम एंगल फाइंड करेंगे। अब देखिए कौन सा रेशियो लगाएंगे, ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि दोस्तों सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हमने जॉइन कर दिया है, तो 90 डिग्री के जैसे कि इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और दोस्तों 90 के अपोजिट वाली साइड ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, ये दोस्तों साइन या फिर कोसेक में आता है। तो हम यहाँ देखिए डायरेक्ट लिखते हैं कि सबसे पहले साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ दोस्तों इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ए अपॉन मतलब हाइपोटेनियस। तो इतना आपने समझा। अब देखिए ए क्या दिया गया, आर दिया गया है, तो यहाँ आर लिख लेंगे। और दोस्तों पीओ क्या दिया गया, पीओ टू आर दिया गया है, मतलब इसे हम कैंसिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे देखिए कैंसिल करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू आर से आर हो जाएगा कैंसिल, बचेगा दोस्तों वन अपॉइंट टू। अब आप हमें बताइए कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू, वन अपॉइंट टू होती है 30 डिग्री की वैल्यू। तो इस तरह से इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। हमें देखिए थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। लेकिन देखिए अभी सवाल का आंसर नहीं आया क्योंकि दोस्तों इस पूरे ही एंगल एपीबी यहाँ थीटा हमने दो बार मान लिया, मतलब एक तरह से कहे कि निकालने के लिए थीटा प्लस थीटा करना होगा, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि देयर फॉर एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए लिख देते हैं देयर फॉर एंगल एपीबी जो कि सबसे पहली बात पूछी जा रही थी, टू थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू, तो टू इंटू कर देंगे थीटा के प्लेस में 30 डिग्री लिख देंगे इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मतलब यहाँ देखिए सबसे पहले सवाल का आंसर मिल चुका है कि जो एंगल एपीबी हो जाएगा वह 60 डिग्री का होगा। तो पहले सवाल का सही आंसर आ चुका है 60 डिग्री। अब दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ द ट्रायंगल इज एपीबी, मतलब ये ट्रायंगल दोस्तों किस तरह का ट्रायंगल होगा। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, जैसे कि इस ट्रायंगल में देखिए दोस्तों दोनों ही एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। हम कह सकते हैं कि एंगल वन जिसे हमने नाम दे दिया, एंगल वन जो है एंगल टू के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर दी गई है। अब एक ट्रायंगल में तीनों ही एंगल्स को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। अब यहाँ ये एंगल 60 डिग्री का होगा, मतलब अगर हम 180 में से 60 को माइनस कर देते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 ये हो जाएगा हमारा 120, मतलब एक तरह से कहें कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जोड़ने पर 120 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर होना चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री आना चाहिए। अब चूंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोस्तों दोनों ही बराबर दिए गए तो इसके प्लेस पे हम यहाँ लिख सकते हैं, तो एंगल 2 लिख देंगे एंगल 1 के प्लेस पे, यहाँ एंगल 2 रहेगा इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसे ऐड करेंगे हो जाएगा 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ से देखिए एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 अपॉन 2 यानी कि 60 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू आ चुकी है 60 डिग्री और एंगल 1 भी बराबर दिया गया है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो देखा आपने, मतलब इस ट्रायंगल के तीनों ही एंगल्स जो दिए गए हैं, तीनों एंगल दोस्तों 60 डिग्री के दिए गए हैं और तीनों ही एंगल चूंकि बराबर दिए गए हैं तो तीनों ही साइड्स भी बराबर हो जाएंगी, तो एक इक्वल लेटर ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ लिख देना, क्या लिखेंगे,
आपको यहाँ लिख देना है कि ट्रायंगल एपीबी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जगह नहीं है तो हम लिख देते हैं, बाकी आपको यहाँ लिख देना है कि क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो तीसरे सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल और एंगल एपीबी 60 डिग्री। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर से लिया गया है। तो आप यहाँ देखिए सारी चीजें हमने लिखी हुई, जैसे कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एक कोन दिया गया है जिसकी कर्व्ड सरफेस एरिया दे दी गई है। और दोस्तों रेडियस बता दिया गया है, हमें फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द कोन क्या होगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहली बात लिखी गई है कि कर्व्ड सरफेस दिया गया है 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा पाई आर एल। देखिए पाई आर एल बराबर होता है किसके, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, फॉर्मूला होता है जो कि दिया गया है 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके प्लेस पे हम यहाँ लिख देंगे 12,320। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ दोस्तों रेडियस दिया गया है, पाई की वैल्यू हमें पता होती है, हम यहाँ से एल निकालेंगे। अब जब एल निकल जाएगा तो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि एल स्क्वायर जो है बराबर होता है हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो इसकी मदद से हम हाइट को निकालेंगे। तो आइए इसे दोस्तों सबसे पहले एल फाइंड करते हैं। देखिए पाई की वैल्यू 22/7, जब सवाल में कुछ नहीं दी गई है तो रेडियस 56 हो जाएगा, एल दोस्तों रहने देते हैं 12320। तो इस तरह से हमने इसे लिख लिया। अब देखिए इसे कैंसिल कर लेंगे, 7 56 हो जाएगा, हमें एल निकालना है। तो एल हो जाएगा दोस्तों 123 रहेगा 20 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 × 8। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसे 11 से कैंसिल किया जा सकता है, जैसे कि 11 2 = 22, इसे करेंगे 11 1 = 11, 11 1 = 11, 11 2 = 22 0। इसे 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 1 = 2, ये हो जाएगा 5 6 0। इसे दोस्तों 8 से भी कैंसिल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू आ चुकी है, इसे 8 से कैंसिल कर देंगे, तो 8 7 = 56, यानी कि 7 और 0 रहेगा, मतलब एल इज इक्वल टू आ चुका है दोस्तों 70 सेंटीमीटर, मतलब आ चुका है एल, आ चुकी है, मतलब जिसे कहा जाता है स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 70 सेंटीमीटर। तो इसके प्लेस पे देखिए हम यहाँ पुट कर देंगे, हम हाइट निकाल देंगे, तो एल के प्लेस पे 70 इसका स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 56 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 56 का स्क्वायर। यहाँ से हाइट हम फाइंड कर लेंगे। देखिए दोनों ही तीनों ही दोस्तों जितने भी फॉर्मूले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के आपको पता होने चाहिए, इसकी हमने एक अलग वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से हाइट का स्क्वायर हो जाएगा, हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू 70² - 56² तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा 70 + 56 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 70 - 56 इज इक्वल स्क्वायर, हमें एच स्क्वायर से मतलब नहीं दोस्तों, हमें एच निकालना है, तो एच क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू अंडर रूट के, देखिए अंदर लेके चले जाएंगे, बाकी से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 70 + 56 कितना हो जाएगा दोस्तों, इसे ऐड करेंगे 126। अब देखिए डायरेक्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, 126 को लिखा जा सकता है क्या, जब से 7 से हम कैंसिल करेंगे हो जाएगा 7 7 7 × 2, जैसे कि 9 × 2, और देखिए 70 - 56 दोस्तों 14 होगा, उसे लिखा जा सकता है 7 × 2, बाकी डायरेक्ट हमने कर दिया, इसे हम निकालेंगे रूट के बाहर। तो ये देखिए 7 2 बार आया, तो दोस्तों बाहर आ जाएगा एक बार, एच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, और दोस्तों 2 जो है 2 बार आया, तो एक बार आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा 2। तो कर लेंगे मल्टीप्लाई, 7 2 = 14 3 = 42, तो इस तरह से सही आंसर 42 सेंटीमीटर, जो कि सवाल में हमसे पूछा जा रहा था हाइट ऑफ द कोन। तो इस तरह से सही आंसर क्या जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ध्यान से देखिए, वो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स से पूछा गया है। तो अभी तक हमने उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है, तो इस सवाल को हम छोड़ देते हैं, जब चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो इस सवाल को भी हम अच्छी तरह से देखेंगे। आइए देखते हैं उसके बाद वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। तो आप यहाँ देख सकते हैं सवाल कुछ इस तरह से लिखा गया, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखा गया कि इफ ऋतु और एंगर बाय 5 ईयर्स देन व्हाट्स ही रियल इज, मतलब यदि ऋतु दोस्तों जो 5 साल छोटी होती उसके वर्तमान आयु से, यहाँ एक कंडीशन रखी जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि ऐसा होता तो। तो इस तरह से लिखा गया है कि इफ ऋतु और एंगर बाय 5 ईयर्स व्हाट्स ही रियल इज, मतलब उसकी जो रियल एज है दोस्तों, यदि उससे 5 साल छोटी होती वर्तमान से 5 साल छोटी होती तो क्या होता, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन द 5 टाइम्स एट प्रेजेंट एज, मतलब कहा जा रहा है तब दोस्तों क्या होता कि उसकी जो एज है उसका स्क्वायर उसकी वर्तमान आयु के 5 गुने से 11 ज्यादा होता, मतलब बराबर होता है। इस तरह से व्हाट इज हर प्रेजेंट एज, हमें बताना है कि उसकी प्रेजेंट एज वर्तमान आयु क्या होगी। आइए इक्वेशन की मदद समझते हैं।
हमें बताना है कि प्रेजेंट टेंस क्या होगी। अब दोस्तों मान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है, उसकी प्रेजेंट टेंस है एक्स ईयर्स। तो आपको यहाँ इस तरह से लिख देना है कि लेट द प्रेजेंट टेंस ऑफ रितु बी एक्स ईयर्स। अब देखिए कंडीशन क्या है, कहा जा रहा है कि यदि 5 साल छोटी होती, दोस्तों इस तरह से कंडीशन है, तो एक्स में से 5 माइनस कर देंगे, मतलब इतने ईयर्स की होती तो जो इसका स्क्वायर है ना वो दोस्तों बराबर हो जाता, किसके बराबर हो जाता, जो उसकी प्रेजेंट एज है उसके 5 गुने से, यानी कि 5 गुने से 11 ज्यादा होता। तो ऐसा दोस्तों होता प्रेजेंट एज से 5 गुने से 11 ज्यादा होती। अब जब ये दोस्तों 11 ज्यादा, मतलब इस तरह से 5 गुने से 11 ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए हमने इसे मल्टीप्लाई और जोड़ दिया, तो सिंपल इक्वेशन बन चुकी है दोस्तों। इसे सिंप्लीफाई करना और अपना आंसर लेके आना है, प्रेजेंट एज आ जाएगी। आइए कर लेते हैं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ए माइनस बी फोर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 माइनस 2 ए बी 10 एक्स, इन सभी को एक तरफ कर लेते हैं, तो 5x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ रहेगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 25 माइनस 11 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15 एक्स इक्वल टू 0। अब हमें देखिए फैक्टराइजेशन करना है, तो किस तरह से करेंगे, 14 का दोस्तों फैक्टराइजेशन करेंगे, बाकी से थोड़ी अच्छी तरह से लिख लेते हैं, मतलब इसे इस तरह से लिखते हैं, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स, इसे दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं प्लस 14। अब देखिए 14 का फैक्टराइजेशन करना है, इस कुछ इस तरह से करना है कि जोड़ने पर दोस्तों क्या आ जाए, माइनस 15 आ जाए, तो सिंपल है 14 और 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस एक्स माइनस प्लस 14 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या हो जाएगा एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं x माइनस 14 दोस्तों कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ सवाल कर लेते हैं क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 14, दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों बचेगा x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो एक बार इसे 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 14 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। अभी दोस्तों ध्यान से देखिएगा x माइनस 1 की वैल्यू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि x की वैल्यू होगी क्या, आप यहाँ ध्यान से देखिए कहा जा रहा है कि यदि 5 साल छोटी होती, तो आप यहाँ देखिए अगर मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज क्या है 1 ईयर्स है, तो 1 में से दोस्तों 5 माइनस कर देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इस तरह से इसे हम कर देंगे कैंसिल, तो आपको यहाँ लिख देना है कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 ईयर्स, मतलब द प्रेजेंट एज ऑफ द ऋतु इज 12 ईयर्स। तो आपको इस तरह से यहाँ लिख देना है कि द प्रेजेंट एज ऑफ द ऋतु इज 14 ईयर्स, यहाँ दोस्तों 14 ईयर्स लिख देना है, क्या हो जाएगा प्रेजेंट एज 14 ईयर्स। तो इस सवाल को भी कंप्लीट कर लिया है, देखते हैं अगला सवाल। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, तो आप ये पाएंगे कि उसमें 2 सवाल दिए गए हैं, जैसे कि पहले वाले सवाल में दिया गया था, और हमने बताया था दोस्तों पिछली वीडियो में जो सैंपल पेपर दिया गया है उसमें इंटरनल चॉइस भी दी रहेगी, जैसे कि 2 सवाल दे दिए जाएंगे आपसे, कहा जाएगा कि या तो ये करिए या तो इस तरह से। इस तरह से दोस्तों दूसरा सवाल ये दिया गया है, इसे भी करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया, क्योंकि अक्सर इसी सवाल में हमें दिक्कत होती है। तो देखिए सिंपल इसका भी हमें फैक्टर करके दोस्तों x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहला स्टेप बाहर बाहर वाले की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा देखिए हम दोस्तों यहाँ रफ वर्क करते हैं, 9 हो जाएगा ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो पहला तरीका दोस्तों यही हो सकता है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम यहाँ लिखेंगे 9, दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों यहाँ p प्लस q लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे p माइनस q, जो कि फॉर्मूला होता है। अब आपको दोस्तों वेरिएबल पर ध्यान नहीं देना, आपको नंबर पर ध्यान देना है। आप क्या कीजिएगा, 9 का ऐसा 2 फैक्टर आपको करना है जिसे जोड़ने पर 6 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसका फैक्टर दोस्तों हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा, तो आपको क्या करना है 1 3 इसके साथ लगा देना, मतलब 3 रहेगा, ब्रैकेट में पी प्लस क्यू कर देंगे, और 1 3 इसके साथ लगा देंगे क्या हो जाएगा 3 रहेगा, ब्रैकेट में पी माइनस क्यू कर देंगे। तो मतलब हमने जो है फैक्टर खोज लिए, एक फैक्टर हो जाएगा दोस्तों 3 ब्रैकेट में पी प्लस क्यू और दूसरा हो जाएगा 3 ब्रैकेट में p माइनस क्यू। आइए अब इसके प्लेस पे हम दोस्तों इसे पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए 9x स्क्वायर, देखिए ध्यान से देखिए 9x स्क्वायर माइनस, अब दोस्तों दूसरे स्टेप में आपको करना ये है कि आपको जो वेरिएबल रहेगा उसे दोस्तों बाहर हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे x को बाहर कर लेंगे। अब यहाँ सिंपल हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे, तो बड़े वाले ब्रैकेट को दोस्तों हम क्या लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ब्रैकेट दिया गया है, इसीलिए क्या कीजिएगा ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखो दोस्तों क्या होगा, 6p हमें लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो q वाला कट जाएगा दोस्तों p बचेगा, तो इस तरह से हम यहाँ देखिए लिखेंगे 3 ब्रैकेट में p प्लस q और फिर प्लस कर देंगे 3 ब्रैकेट में p माइनस q, इस तरह से हमने लिखा। इससे दोस्तों हम कर देते हैं बंद, ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस तरह से आपको करना, बाकी से हम हटा देते हैं।
तो देखा आपने सबसे पहले स्टेप में दोस्तों आपको ये चीज करनी है, इस तरह से फैक्टर खोज लेना। अब देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, -3 पी प्लस क्यू इंटू एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस माइनस 3 ब्रैकेट में पी माइनस क्यू इंटू एक्स, यहाँ देखिए प्लस कर देंगे। इसे दोस्तों सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी प्लस क्यू दूसरे ब्रैकेट में पी माइनस क्यू। देखिए काफी ज्यादा बेसिक दोस्तों और आसान तरीका ये है। एक दूसरा तरीका भी इसका हो सकता है, सिंप्लीफाई से करते हैं, 3 कॉमन लेंगे दोस्तों, 3s कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में देखिए 3s बचेगा, बाकी आपको बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है तो 3s बचेगा, यहाँ देखिए माइनस पी प्लस क्यू बच जाएगा, इसे हम कर लेंगे माइनस दोस्तों, यहाँ देखिए पी माइनस क्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू, ये दोस्तों हो जाएगा हमारा पी माइनस क्यू, हमने कॉमन ले लिया पी माइनस क्यू, तो ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, माइनस कॉमन लिया 3 बचेगा 3x, यहाँ बच जाएगा प्लस का पी प्लस क्यू। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये कॉमन ले लिया। अब आप ध्यान से देखें, जैसे कि यहाँ देखिए हमने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर दोस्तों माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों कॉमन मिला है दोनों में तो कॉमन ले लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 3x माइनस फिर ब्रैकेट में पी प्लस क्यू, इसे हमने कॉमन ले लिया, तो जब इसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ दोस्तों देखिए दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस लगाएंगे, यहाँ बचेगा पी माइनस क्यू, ये जो क्वेश्चन जीरो कर देंगे इसे। अब दोनों ही की वैल्यू जीरो है दोस्तों, बारी बारी से जीरो कर देंगे, जैसे कि यहाँ देखिए लिखेंगे 3x माइनस फिर ब्रैकेट में पी प्लस क्यू, तो क्वेश्चन जीरो हो जाएगा। और दूसरी बार में हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए लिखेंगे 3x माइनस ब्रैकेट में पी माइनस क्यू, ये जो क्वेश्चन जीरो होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x जो क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन का 3, यहाँ से दूसरी वैल्यू x की क्या आ जाएगी, x जो क्वेश्चन हो जाएगा पी माइनस क्यू अपॉन का 3। तो देखो आपने इस तरह से आप बहुत ही आसानी से दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोस्तों इस सवाल समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, हम हट जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए, सेक्शन में जितने क्वेश्चंस दिए गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने किया। तो यदि आप कमेंट करेंगे तो सेक्शन बी और सेक्शन सी के सवालों को भी हम करेंगे, तो आपको सिंपल क्या करना है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जाकर लिख दीजिएगा। और यदि आप जो है इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, चाहते हैं कि इसे फोटो के रूप में पीडीएफ के रूप में बनाकर दिया जाए, तो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।